क्रिसमस हो या न्यू ईयर सेलिब्रेशन, केक तो बनाना बनता है, और वो भी प्लम केक अगर हम घर के सामान से बहुत ही आसानी से बिना किसी झंझट के बना ले तो फिर क्या कहना। तो चलिए देर किस बात की, आप और हम मिलके बनाते हैं सिमीज मैजिक किचन में प्लम केक, और वो भी बिना ऑरेंज जूस में भिगोए, बिना वाइन में भिगोए, बिल्कुल देसी स्टाइल में, बिना कोई झंझट के। इसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी और अब उसमें एक कप चीनी ले लिया। उसे धीमी आंच पे चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि हमारी चीनी धीरे धीरे मेल्ट ना होने लगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि हम लोगों को चाशनी नहीं बनानी है। इसे धीरे धीरे पकाते हुए आप देखेंगे कि अपने आप ये चीनी मेल्ट होने लगेगी और अब इसका कलर चेंज होने लगेगा। ये धीरे धीरे ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। जब ये कलर थोड़ा ब्राउन होने लगे तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जल जाता है और आपका केक बहुत कड़वा लगने लगेगा। तो इस स्टेज पे आपको बहुत केयरफुली इसे पकाना है, देखते जाइए। और जब ये थोड़ा पक जाए, रेडी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें अब पानी डालेंगे। बट ये बहुत ध्यान से, क्योंकि पानी डालते समय काफी छींटे आते हैं। आप चाहे तो गैस बंद कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आपको पानी डालना है। ये अच्छा एक सॉल्यूशन रेडी हो गया। मैंने इसमें एक कप के करीब पानी डाल दिया है और अब इसे गैस बंद करके थोड़ी देर रखेंगे। अब मैंने गैस ऑन कर लिया और इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, ब्लैक वाली किशमिश, टूटी फ्रूटी ग्रीन वाली, ब्राउन वाली किशमिश और रेड वाली टूटी फ्रूटी, और उसके साथ थोड़ा सा काजू भी डाल दिया। आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। और अब इसे हम थोड़ी देर इसमें पकाएंगे। इसे थोड़ी देर के लिए आप धीमी आंच पे ही पकाइए ताकि ये जो हमारा ड्राई फ्रूट्स है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और ये सॉल्यूशन को सोक कर ले। इसे पकाने के बाद थोड़ी देर अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मोल्ड तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने मोल्ड में नीचे पार्चमेंट पेपर डाल दिया और उस पे अब थोड़ा ऑयल लगा देंगे। ऑयल आप चारों तरफ अच्छी तरह लगा दीजिए और साइड्स में भी लगा दीजिए। अब दूसरी तरफ कढ़ाई भी गैस पे प्रीहीट के लिए हम रख देते हैं। कढ़ाई बहुत अच्छी तरह प्रीहीटेड होना चाहिए, नहीं तो आपका केक अच्छी तरह फूलेगा नहीं। अब मैंने इधर ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए 1.5 कप मैदा ले लिया, साथ ही मैंने लिया 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने लिया बेकिंग सोडा। अब इसको थोड़ा छान लेंगे। अब इसमें थोड़ा डाल देंगे नमक चुटकी भर, जो कि इसके स्वीटनेस को बैलेंस करेगा, और उसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे जो हमने ठंडा किया हुआ ड्राई फ्रूट्स का सॉल्यूशन रखा हुआ है उसे। ये हम इंस्टेंट प्लम केक बना रहे हैं इसलिए हमने इस सॉल्यूशन में ही अपने ड्राई फ्रूट्स को डाल के और उसे थोड़ा पका लिया ताकि ड्राई फ्रूट्स अंदर से सॉफ्ट हो जाए। यकीन मानिए ये भी जो हमारा प्लम केक है ना, वो बिल्कुल बाकी सारे प्लम केक जैसा ही लगता है, कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा बना। अब इसमें मैंने 1/2 कप रिफाइंड ऑयल ले लिया। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बस उसमें कोई स्मेल नहीं होना चाहिए, और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसे थोड़ी देर मिक्स करना है ताकि एक अच्छा फाइन डो तैयार हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। उसके साथ मैंने ले लिया 2 टेबलस्पून विनेगर। वो हमने लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि विनेगर डालते के साथ हमारा केक जो है वो अच्छा फ्लफी होने लगेगा। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है, तो डाल के। और अब इसे इस स्टेज में आपको इसे फटाफट मिक्स करना है क्योंकि अगर सारा एयर्स इधर ही निकल जाएंगे तो आपके केक सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अब इसे फटाफट मैं मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद ये देखिए इस तरह का ये डो होना चाहिए। और अब इसे हम अपने रेडी किए हुए मोल्ड में डालेंगे। इस बैटर को इस मोल्ड में डाल के और इसे थोड़ा टैप करना है। टैप करने के बाद अब हम अपना जो प्री हीट किया हुआ ओवन रखा हुआ है उसमें हम डाल देंगे।
ध्यान रखिए कि आपका जो ओवन है वो अच्छी तरह प्रीहीटेड होना चाहिए, नहीं तो फिर ये अच्छी तरह फ्लफी नहीं बनेंगे आपके केक। और मैं इसे ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। आफ्टर 30 मिनट्स मैं इसमें क्या करूंगी, ये सारे जो ऊपर से ड्राई फ्रूट सजाना है वो मैं डाल दी हूँ, क्योंकि इसके पहले अगर हम डाल देंगे ना तो वो बिल्कुल नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। और इसे और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए मैंने छोड़ दिया। अब ये देखिए, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल रेडी है क्योंकि इस फोक में कुछ भी नहीं लगा है। अब इसे बाहर निकाल के और थोड़ी देर के लिए ठंडा कर देंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा प्लम केक, कहीं से भी ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हमने इतना सिंपल वे में इस प्लम केक को तैयार किया है। और ये क्रिसमस केक हमारे और आप सभी के लिए रेडी हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट में शिफ्ट कर लेती हूँ। अब इसके लिए थोड़ा सा इसे टैप करेंगे और टैप करके निकाल लेंगे। देखिए कितना इजीली निकल गया। अब इस पेपर को हटा देते हैं और इससे थोड़ा पलट लेंगे। देखिए परफेक्ट क्रिसमस केक हमारा रेडी हो गया। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। लग रहा है ना बिल्कुल यमी। तो इस क्रिसमस केक के साथ आप अपना क्रिसमस एंजॉय करिए। और अगर मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।